और भाई जिसके बारे में सब लोग कहते रहते हैं कि निंजा कहाँ है, निंजा कहाँ है, ये देखो ये निंजा यहाँ है, इसको भी बदलवाना है। ये एग्जॉस्ट इतना भनूस एग्जॉस्ट है, सही बता रहा हूँ भाई, जब से गाड़ी में लगाया तब से गाड़ी खड़ी रह गई है। एकदम नया ही लुक देना, एकदम एक वो कहते ना जीवन दान, ऐसा होना कि नंबरों पे भी लाइट पड़े तब ज़्यादा बढ़िया लगेगा। वही तो, नंबर ही तो पड़ना चाहिए। फ्यूम्स देख रहे हो, ये देखो इतना ही फर्क है खाली। मतलब एक जो वो हैचबैक स्कूटी गाड़ी होती है ना, एकदम वो रेसिंग वाली, वही। और अपनी गाड़ी देखो, इस गाड़ी का जो इंटीरियर देख रहे हो ना, पूरा ब्लैक इंटीरियर है भाई, इसीलिए अखबार लगाने पड़े। और ये ऊपर के रूफ तक आता की इसकी ब्लैक आती है। नमस्ते दर्शक, काल आदाब, क्या हाल है दोस्तों, फिर से आज एक नए दिन की शुरुआत। और मैं हमेशा आप लोगों को कार में क्यों मिलता हूँ, यार देखो जो कार वाले बंदे होते हैं ना, जिनको मतलब यार कार से एक अलग ही लेवल का प्यार होता है, तो वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ गाड़ियों के साथ ही मिलते हैं, ऐसे कुछ होता है। कुछ पॉलिश वगैरह गाड़ी के लिए लाया था इंटीरियर क्लीनिंग के लिए, तो अभी एक यहाँ से काम निपटा के फिर वहीं पे डायरेक्ट चलता हूँ, और फिर वो चेक करता हूँ कि वो जो पॉलिश में लाया था कैसी है, और अगर अच्छा रहा ना तो फिर आपको भी बोलूँगा। क्योंकि मेरे को तो मतलब जिन भाई का मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया था ना, वो अपने दोस्त ही हैं, मतलब जहाँ पे ये अपने सारे मॉडिफिकेशन का सामान वगैरह मिलता है ना, तो वो अपने दोस्त ही है, तो उन्होंने ऐसी गिफ्ट दे दिया कि लो यार एक आपके लिए। जो कांच है कितना गंदा हो गया यार भयंकर, एक तो सामने धूप पड़ रही है ना, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ये भी भाई बहुत जल्दी मॉडिफाइड होने वाली है अपनी लॉन्डिया, और ये पर्दे वर्दे सब निकालूंगा यार इसमें, एकदम इसको एकदम नया ही लुक देना, एकदम एक वो कहते ना जीवन दान, तो इसको जीवन दान ही देना पड़ेगा वापस, ऐसा लग रहा है। और ये मॉडिफाइड होगी तो अच्छी लगेगी ना एक्सयूवी, कमेंट करके बताना कि यार एक्सयूवी मॉडिफाइड होगी तो कैसी लगेगी। और भाई चश्मा खोल के बाद इसलिए कर रहा हूँ, ये तो कहोगे बंदा जब भी व्लॉग बनाता है चश्मा पहना हुआ ही रहता है, तो मैंने इसलिए चश्मा खोल दिया था, वापस पहन लेता हूँ क्योंकि सामने क्या धूप पड़ रही है ना। तो भाई तो बस यहाँ से काम करके सीधा मिलता हूँ आपको अपनी एन लाइन में। भाई ये देखो, ये अपन ने मंगाई थी पेट्रोक्स वैक्स करके, डैशबोर्ड एंड विनेल पॉलिश, मैंने उसको भाई कहा था 3 mm वाली मतलब दे दो, तो उन्होंने कहा ये भी अच्छा है, मैंने कहा चलो अब जो मिल रहा है ले ही लो, तो एक बार ये यूज़ करके देखते हैं भाई, यहाँ लगा के देखते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ लगा के देखता हूँ, इतने गेट खुला है तो टूटो कैसे बंद होगा, गेट बंद करना पड़ेगा। अब भाई ये जो वैक्स है इसको इसके ऊपर ऐसे ऐसे रब करते हैं, रुको ये देखो ये ऐसे ऐसा। भाई गाड़ी को ज़्यादा वैक्स की आदत लगानी तो नहीं चाहिए, पर मैंने कहा मिल गया है तो लगा ही लेते हैं। और भाई क्लीन तो हुआ है, अच्छा लग रहा है, मतलब देखो ये मतलब शाइन आ गई ना, एक तरीके की शाइन आ गई है। थोड़ा और अच्छे से लगाऊंगा इसको, थोड़ा और दबा के लगाता हूँ, शाइन आ गया। देखो यहाँ पे धूल है ना, यहाँ पे एक बार लगाता हूँ, पहले इसको साफ करता हूँ। भाई साफ तो हुआ है, सही बता रहा हूँ, क्लीन तो हो गया है भयंकर। यहाँ एक वो चमक टाइप की आ गई ना, जो चमक आ गई है, एक मिनट इधर से नहीं लगाया क्या, हाँ ये देखो अब चमक जैसी आ गई ना, एकदम प्रॉपर चमक आ गई है। ये नहीं पता ये जो 3 mm वाली आती है ये उससे अच्छी है नहीं है, पर ठीक ठाक है, अपनी गाड़ी पॉलिश अच्छे से हो गई, साफ हो गई। अब एक बार वो भी भाई मतलब वो भी यूज़ करके देखूंगा, उसके बाद पता चलेगा। मैंने बहुत पहले पता नहीं क्यों यूज़ किया था उसको, मतलब बहुत पहले यूज़ किया था, अब मैं भूल गया वो कैसी उसकी सफाई थी। तो वापस अब एक बार क्या है कि इस गाड़ी का जो आप इंटीरियर देख रहे हो ना, ये देखो इस गाड़ी का जो इंटीरियर देख रहे हो ना, पूरा ब्लैक इंटीरियर है भाई, इसीलिए अखबार लगाने पड़े। और ये ऊपर के रूफ तक आ तक की इसकी ब्लैक आती है, देखो रूफ में भी ये यार पता नहीं मिट्टी के निशान लग गए, इसको भी साफ करना पड़ेगा। एक तो घड़ी में क्या आ रहा है कुछ नहीं, ये देखो ये सेम टू सेम कलर की दो जीन्स लाया था, इसमें से क्या हुआ कि एक उसने 36 दे दी मतलब कमर की साइज़, और एक 34, तो ये बदलवा के लाया यार। मतलब दोनों जीन्स अगर देखोगे ना तो बिल्कुल सेम है, पर उसकी साइज़ थोड़ी छोटी दे दी थी इस वाली की, अब मैं वापस से सेम टू सेम साइज़ लाया हूँ, कैसी है अब इसी को पहनते हैं आज। चलो तो ये देखो अभी नई जीन्स ली थी ना, उसकी देखो ये फिटिंग एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है, पहले यार 34 आती थी मेरे को, अब 36 आने लग गई है। भाई साहब मोटापा बढ़ता जा रहा है। और भाई जिसके बारे में सब लोग कहते रहते हैं कि निंजा कहाँ है, निंजा कहाँ है, ये देखो ये निंजा यहाँ है। और अपनी बाइक ये इधर खड़ी है, एक मिनट लाइट जला देता हूँ इसको। भाई यहाँ खड़ा करने का रीज़न अभी ये है कि एक तो देखो पहली बात अभी यहाँ पर साइकिल खड़ी कर दी, और ये जो स्पेस है ना यहाँ का, ये छोटा स्पेस है,
और अभी बाहर के समय क्या है कि ये जो राजस्थान में आंधी बहुत ज़्यादा चलती है, तो इसकी वजह से बाहर खड़ी करता है तो पूरी धूल में हो जाती है। अभी भी देखो मिट्टी कितनी लगी हुई है। और सेकंड रीज़न ये है कि इसका सर्विस जो वाले हैं वो यहाँ पे प्रॉपर मिल नहीं पा रहे हैं, मैंने पता किया है दो एक जगह। और जो इसका एग्जॉस्ट है इसको भी बदलवाना है, ये एग्जॉस्ट इतना मनहूस एग्जॉस्ट है, सही बता रहा हूँ भाई। जब से गाड़ी में लगाया तब से गाड़ी खड़ी रह गई है, चल ही नहीं रही है। मतलब वो बोलते हैं ना कोई कोई लोहा ही भयंकर मतलब शुभ नहीं होता, वो वाली बात है। एक तो भाई इतनी धूल चलती है ना, एक तो एक कचरा उड़ उड़ के हमारे घर के सामने आ जाता है। देखो अभी कल ही गाड़ी मैंने धुलवाई थी और आज एकदम, अभी तो शायद कैमरे में तो यार बहुत साफ लग रही है गाड़ी, पर एक्चुअल में बहुत धूल धूल जैसी हो गई यार। ये देखो आप, धूल मिट्टी में भर गई है पूरी गाड़ी, पूरी भर गई है। देखो उसके स्प्लिटर वगैरह भी, हवा भी इतनी चल रही है ना। एक्सयूवी का भी यही हाल है, एक्सयूवी की आपको कांच बताऊं, ये देखिए झाड़ू फंसा हुआ है इधर। एक तो इतना बन ठन के बैठा हूँ ना अभी, मतलब थोड़ा नहा के बैठा हूँ और अब सोच रहा हूँ कि इसको यार साफ करूँगा तो फिर वापस पूरा धूल में भर जाऊँगा, मतलब एक पसीना टाइप का आ जाएगा। पर मन भी नहीं मान रहा यार, और मम्मी देख तो नहीं रही, तो मम्मी अभी कहेंगी कि देखो अभी तैयार होके गया, वापस पूरा धूल में भर गया। पर यार अब साफ तो करनी पड़ेगी ना, इसको ही लेके कहीं चलते हैं। देखो कितने गैप से लगाई है तुम्हारे भाई ने गाड़ी, एकदम मतलब एक्सपीरियंस देख रहे हो, देखो इतना ही फर्क है खाली। देखो गाड़ी साफ करते करते क्या हाल हुआ मेरा, एकदम भर गया ना पसीने में। यही होता है कि यूट्यूबर्स की तरह दिखाते हैं ना कि हमारे घर पे वो साफ करने वाले भैया आते हैं, वो आते हैं, यहाँ भाई कोई भैया वैया नहीं आते, एकदम गाँव जैसी जगह में रहते हैं। खुद ही करना पड़ता है जो करना पड़ता है, या तो पूरी वॉश करवाओ या तो फिर खुद ही साफ करो स्प्रे लेके। इसमें पानी भरने जा रहा हूँ। एक्सी भी थोड़ी पीछे करी और देखो कितनी चल गई गाड़ी, टू 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 टू। और हमेशा की वीडियो की तरह भाई इस बार फिर कहता हूँ कि इस गाड़ी का बहुत जल्दी काम होने वाला है। और ये जो मॉडल है आपको खुद को पता है ये मॉडल कितना प्यारा है, और आप लोग भी यार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये मॉडल कैसा लगता है। भाई वीडियो इतने सारे बंदे देखते हैं, मतलब जितने भी देखते हैं अपनी फैमिली में, आज फैमिली छोटी है कल बड़ी हो जाएगी, पर प्लीज़ यार गाइस एक चीज़ का थोड़ा सा हेल्प कर दिया करो कि वो वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो बस। देखो हमारे घर के बाहर केले का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, ये तुलसी का पूरा जोड़ा है, मतलब केले का और तुलसी का। ये क्या है मम्मी? ये विष्णु भगवान लक्ष्मी माता है, तुलसी जी लक्ष्मी माता है, ये विष्णु भगवान, केले का पेड़ है, पूजा होती है। मम्मी कह रही कि विष्णु भगवान जी का पेड़ है और लक्ष्मी माता जी का भी पेड़ है, मतलब दोनों पेड़ है यहाँ पे। हाँ। और साथ में तुलसी का भी इतने सारे, तुलसी जी लक्ष्मी माता है। अच्छा अच्छा, तो तुलसी के इतने सारे पत्ते लगे हैं और केले का भी है। अभी पानी डाला जा रहा है। अभी क्या गाइस यहाँ पे उमस बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आंधी चलती है, तो इस वजह से अच्छा मतलब ये वाली गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है ना अपनी i20N लाइन का, बोस का सिस्टम लगे हैं, इतने प्यारे लगते हैं। कभी कभी मेरे को लगता है कि मैं इसमें एक बेस ट्यूब लगा लूँ, फिर अरे दोस्त मतलब कभी कभी मन करता है लगाऊं, कभी कभी मन करता है नहीं लगाऊं। तो अभी एक छोटी सी लाइट है जो नंबर प्लेट पे लगती है ना पीछे व्हाइट कलर वाली, तो वो पिछली बार ली थी, शायद लोकल दे दी थी, तो वो तो फ्यूज हो गई। अब एक और बार वापस से यूज कर रहा हूँ, आपकी नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन कोई अच्छी लाइट देखूंगा। आप लोग भी यार कमेंट करके मतलब बताना कि कोई पीछे नंबर प्लेट के लिए व्हाइट लाइट कोई अच्छी हो तो फिर वही लगाऊं ना, फिर क्या खराब बार बार नहीं हो यार। एक बार क्या है फिर लगा दिया जो लगा दिया, मतलब बार बार कम पैसे देकर सामान लाओगे पर वो बार बार क्या होता है कि खराब हो जाएगा। और एक बार थोड़े से मतलब जैसे 50 रुपए लगते हैं तो 100 रुपए लग जाएंगे, पर अगर चीज़ अच्छी आ जाएगी तो अपना काम बन जाएगा, सिंपल सी वही बात है। चलते हैं अभी पठान भाई के पास यहाँ से, मतलब थोड़ी सी दूरी पे, तो फिर ये पीछे नंबर प्लेट वाली लाइट लगाता हूँ। यार शुरू तो नाल बैंड तन चार शुरू तो गेड़े शामी जम सवेरे टायर जी पादे बार शुरू तो। ये देखो एक साइड की जल रही है, अब एक साइड की फ्यूज है, और ये भी देखो थोड़ा इसकी मतलब कलर थोड़ा कम हो गया है, अभी चेक करता हूँ। अभी तो देख रहे हैं कौन सा कहाँ पे लगेगा, ऐसा होना कि नंबरों पे भी लाइट पड़े तब ज्यादा बढ़िया लगेगा। वही तो नंबर ही पे तो पड़ना चाहिए, तब एक इसका अच्छा लुक आएगा। क्या मेजरमेंट बैठ नहीं पा रहा है, फिट नहीं हो पा रही अच्छे से, बार
नहीं लेडी क्या उल्टा हो, मतलब वायरिंग छोटी पड़ी, अगर घुमा के लगाए ना तो वायरिंग काटनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे तैसे अपनी ये पीछे वाली लाइट लग गई, अब ऐसे लगी है जैसे लग गई है। अब बाद में बढ़िया कंपनी की लाइट जब लूँगा और अच्छी क्वालिटी की, तो फिर वो और अच्छे से लगे। बाकी इसकी भी देखो ब्राइटनेस काफ़ी तेज़ है। मेरे और प्रवीण भाई में देखो मैच चल रहा है घमासान। इसमें से एक मैच प्रवीण भाई जीत गए और एक मैच मैं जीत गया। ये रहा अपने प्रवीण सा, ये रहा भाई प्रवीण सा। और भाई ये वाला मैच भी बड़ा खतरनाक चल रहा है, अब कौन जीतता है इसमें ये पता नहीं। तो अभी एक मेरे भाई हैं जो कि बहुत अच्छी म्यूज़िक बनाते हैं, और मतलब अपने यार एकदम घर की तरह, मतलब घर के मेंबर है। तो उन्होंने कहा था कि एक मेरा कोई गाना है वो प्ले करके देखना, तो उनको नहीं पता था कि मैं व्लॉग में डाल दूंगा। तो ये देखो अपने भाई ने, अरे भाई आप जाके फॉलो कर लो ना इनका चैनल, सब्सक्राइब कर लो। बहुत शानदार। रात को अपनी गाड़ी कितनी प्यारी लगती है यार। देखो मैं खुद अभी बाहर निकल के देखा, मतलब एक जो वो हैचबैक स्पोर्टी गाड़ी होती है ना एकदम वो रेसिंग वाली, वही। और अपनी गाड़ी भाई है भी तो i20 N लाइन, तो वैसे तो लगेगी। और आगे से लुक दिखाता हूँ भाई, ये देखो साइड कट देखो, और अंदर गाने बज रहे हैं तो बेस इतना अल्टीमेट आ रहा है, और आगे से कुछ ऐसा शार्प लुक। देखो ब्राइटनेस कम करके दिखाऊं, हाय हाय बिल्लो रैनी, बहुत प्यारी लग रही है भाई। जो कार बंदे होते ना, कार गाइस, उनसे पूछो ये गाड़ी कैसी लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद है यार। देखो लुक एक बार पूरा पीछे से लुक दिखाता हूँ ना, एक तो मेरी पर्चे आ रही है देखो अब लुक, हाय हाय। अब ये देखो पीछे की नंबर प्लेट वाली लाइट देखो, मतलब कितनी सही लग रही है वाइट, मतलब छोटी छोटी चीज़ से जो गाड़ी में लुक आता है ना वो ऐसा आ रहा है। और इसलिए मैं मतलब फ्लैश नहीं चला रहा हूँ इसको, आपको ऐसी फील करवाने दे रहा हूँ कि कैसी लग रही है पीछे से, एक बार मतलब कमेंट कर देना यार। अगर आप लोग भी अपनी गाड़ियों से प्यार करते हो तो भाई अपनी गाड़ी का पीछे नाम लिख के लव बना देना, मैं समझ जाऊँगा आप भी कार गए हो। वो मतलब छोटी छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, जैसे देखो ये वेलकम लाइट देखो ऐसे बंद हो गई, और मतलब गाड़ी के पास जाओ तो गाड़ी के ग्लास अपने आप खुल जाते हैं, मतलब साइड कांच और लाइट जलती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो प्रीमियमनेस फील करवाती है। और शाइन देखो एक बार भाई, जिसके पास जो गाड़ी है ना, सच बता रहा हूँ, उससे बहुत प्यार करो आप लोग। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे आगे जो मैं वीडियो डालूँ आप लोग पहले देख लें। तो इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और नीचे का थोड़ा सा बनियान टाइप का पहना हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा कैमरा ऊपर किया हुआ है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय।